सो गाइज़, ये है आईफोन 11 एंड ये है आईफोन XR। आज इन दोनों फ़ोन्स को हम कंपेयर करेंगे। इन दोनों फ़ोन्स को कंपेयर करने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि इन दोनों ही फ़ोन्स में आपको LCD पैनल देखने को मिल जाता है। एंड बहुत से लोग कंफ्यूज है कि आईफोन 11 लें या आईफोन XR लें। गाइज़, यहाँ पर इन दोनों फ़ोन्स की प्राइस की बात करें तो आईफोन XR का जो न्यू प्राइस है वो आपको 32K का पड़ जाएगा, वहीं आईफोन 11 आपको 41,000 का पड़ जाएगा। गाइज़, यहाँ पर ये जो प्राइस है ये बैंक ऑफर लगाने के बाद की है। वहीं मैं बात करूँ मेरे इन दोनों फ़ोन्स की, तो दोनों फोन्स मैंने सेकंड हैंड लिए, जिनके प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आईफोन 11 वर्सेस आईफोन XR की जंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। गाइस, यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे परफॉर्मेंस की। आईफोन 11 में आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है बायोनिक A13 चिप, जो कि 7 नैनोमीटर प्लस पर बेस है। यहां पर 7 नैनोमीटर प्लस जो रहता है गाइस, वो 7 नैनोमीटर से 15-20% इंप्रूव रहता है। XR में आपको 7 नैनोमीटर वाली चिप मिल जाती है। एंड यहां पर रैम आपको 4GB की मिल जाएगी इन आईफोन 11। वहीं मैं आईफोन XR की बात करूं तो आईफोन XR में आपको बायोनिक A12 चिप देखने को मिलती है, जो कि 7 नैनोमीटर पर बेस है। लेकिन आईफोन XR में आपको आईफोन 11 के कंपैरिजन 1GB रैम कम मिलती है। आईफोन XR में आपको 3GB की रैम मिल जाएगी। एंड 3GB रैम होने के कारण क्या परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, ये आप इस टेस्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने 5 एप्लीकेशन को ओपन करा, जिसमें BGMI भी था। एंड बहुत देर तक मैंने उन ऐप्स को बैकग्राउंड में रन रहने दिया, लेकिन दोनों ही फोन्स में से एक भी एप्लीकेशन रिलोड नहीं हुई। गाइज, यहाँ पर एप्पल में 3GB की रैम भी इनफ है इन 2021। एंड iOS को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करा है एप्पल ने। गाइज, आईफोन 11 में बायोनिक A13 है, जो कि ऑब्वियसली पावरफुल है कम्पेयर टू आईफोन XR A12 चिप। लगभग सारी एप्लीकेशन आईफोन 11 में कुछ मिली सेकेंड पहले जल्दी ओपन हो जाती है कम्पेयर टू आईफोन XR। एंड गाइज, यहाँ पर जो डिफरेंस वो बहुत ही ज्यादा माइनर है। अगर आप दोनों ही फोन्स में सेम एप्लीकेशन एक टाइम पे ओपन करेंगे तब आपको नोटिस होगा, बाकी का ऐसे अलग अगर आप फोन यूज करेंगे तो आपको इतना पता भी नहीं चलने वाला है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आपको A13 और A12 में देखने को मिल जाएगा इन ऐप ओपनिंग एंड इन परफॉर्मेंस। यही मैं अगर बात करूं वीडियो रेंडरिंग टेस्ट की, तो मैंने दोनों ही फोन्स में सेम क्लिप को एक्सपोर्ट करा। आईफोन 11 में कुछ सेकंड पहले रेंडर हो जाती है, मुझे इसमें भी इतना बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। दोनों ही फोन्स लेटेस्ट iOS 15 पर अपडेटेड है। एंड आईफोन 11 को एक साल का अपडेट ज्यादा मिलेगा ओवर XR, क्योंकि आईफोन XR लॉन्च हुआ था 2018 में, वहीं आईफोन 11 एक साल बाद लॉन्च हुआ था 2019 में। गाइज, यहां पर आपको एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि ये दोनों फोन्स 4G हैं। एंड दोनों ही फोन्स में आप eSIM के थ्रू डुअल सिम यूज कर सकते हैं। गाइज, यहां पर स्टोरेज की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, 64GB, 128GB एंड 256GB। ये बात करूं मेरे वेरिएंट की तो आईफोन XR जो मेरे पास है वो 64GB है, वहीं आईफोन 11 मैंने जो लिया है वो 128GB है, जो कि सेकंड हैंड लिया है, जिसकी प्राइस हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, यहां पर अब बात कर लेते हैं गेमिंग की। आईफोन 11 में BGMI जल्दी ओपन हो जाता है कंपेयर टू आईफोन XR। ग्राफिक सेटिंग की बात करें तो आईफोन 11 एंड आईफोन XR में हायर सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। HDR पर एक्सट्रीम आप गेम खेल पाएंगे। यहाँ पर 90fps या 120fps का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इनको जो पैनल है वो 60Hz सपोर्ट करते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, दोनों ही फोन्स में एक जैसा गेम चलता है, मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नोटिस नहीं हुआ। हो सकता है कि इन फ्यूचर XR में थोड़ी दिक्कत देखने को मिल जाए, क्योंकि उसमें एक साल पुरानी जनरेशन चिप है। बाकी का जो गेम है दोनों ही फोन्स में मक्खन चलता है, ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं मैं BGMI पर इन आईफोन XR वर्सेस आईफोन 11, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर बता सकते हैं। गाइज, यहां पर आप बात कर लेते हैं कैमरा सेक्शन की। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो आईफोन के कैमराज देते हैं वो काफी सालों तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था आईफोन 7 प्लस वर्सेज आईफोन 8 प्लस। गाइज, वहां पर उनके जो कैमराज के फोटोज आए थे वो 5 साल पुरानी डिवाइस है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा अच्छे आपको फोटोज उसमें देखने को मिल जाते हैं। यही मैं अगर बात करूं आईफोन 11 की, तो आईफोन 11 में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। पहला जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी वाइड कैमरा है f1.8 अपर्चर के साथ। एंड इसमें आपको डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी। सेकंड कैमरे की बात करें तो 12 ही मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाएगा f2.2 अपर्चर के साथ। यही मैं अगर बात करूं आईफोन XR की, तो सिंगल कैमरा मिलेगा 12 मेगापिक्सल का, जो कि एक प्राइमरी वाइड कैमरा f1.8 अपर्चर के साथ, जो कि सेम कैमरा है जो आईफोन 11 में आपको प्राइमरी कैमरे के तौर पर मिल जाता है। लेकिन यहां पर रिजल्ट्स में आपको फर्क मिल जाएगा। आईफोन 11 ज्यादा लाइट कैप्चर करता है, डायनामिक रेंज ज्यादा सही से कंट्रोल करता है कंपेयर टू आईफोन XR। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि आईफोन 11 में आपको डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। एंड बायोनिक A13 जो चिप है उसकी जो इमेज प्रोसेस
प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा एडवांस है कंपेयर टू आईफोन XR बायोनिक A12 चिप। गाइज यहाँ पर दोनों ही फोन्स में आपको टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलेगा एंड ये दोनों ही फोन्स सॉफ्टवेयर की मदद से पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं। गाइज यहाँ पर अगर हम फोटोज को कंपेयर करें तो जो डिटेल है वो दोनों में ही सेम आती है, लेकिन जो हल्की सी लाइट आपको आईफोन 11 में ज़्यादा देखने को मिल जाएगी बिकॉज ऑफ पावरफुल इमेज प्रोसेसिंग। गाइज यहाँ पर अगर आपको एक डिटेल कंपेरिजन देखना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला है चैनल पर, आईफोन 11 वर्सेज आईफोन XR वर्सेज आईफोन 12, उनका इनडेप्थ कैमरा टेस्ट करा मैंने, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। मैंने इनडेप्थ में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कौन सा फ़ोन कितनी लाइट कैप्चर करता है एंड कैसे उसकी इमेजेस निकल कर आती हैं, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा अगर आपको मेनली कैमरे के बारे में जानना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही मैं अगर बात करूँ वीडियोज़ की तो 4K पे 60 FPS शूट कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन। फ्रंट कैमरे की बात करें तो आईफोन XR में आपको 7 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, वहीं आईफोन 11 में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर ये कुछ शॉट्स हैव अ लुक। गाइज यहाँ पर ओवरऑल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो आईफोन 11 का जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है कम्पेयर टू आईफोन XR एंड इस फोन में आपको अल्ट्रा वाइड का भी एक एडवांटेज देखने को मिल जाएगा। एंड गाइज यहाँ पर आपको नोटिसिबल डिफरेंस देखने को मिल जाएगा इमेजेस में, अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है विथाउट अ सेकेंड थॉट गो फॉर आईफोन 11। गाइज यहाँ पर आप बात कर लेते हैं बैटरी की, आईफोन 11 में आपको 3110 mAh की बैटरी मिल जाती है, वहीं आईफोन XR में आपको 2942 mAh की बैटरी मिलेगी। दोनों ही फोन्स में पहले 5W के चार्जर आते थे, अभी एप्पल नहीं देता है चार्जर, अगर आप सेकेंड हैंड लेते हैं तो 5W का चार्जर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप 10W या 12W का अमेजोन से चार्जर ले सकते हैं जो कि एप्पल iPad चार्जर के नाम से आता है, मैं वही यूज़ करता हूँ एंड काफ़ी सही परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिल जाती है। आईफोन 11 में 18W तक की सपोर्ट करता है चार्जिंग, वहीं आईफोन XR में 15W की चार्जिंग सपोर्ट कर लेता है एंड दोनों ही फोन्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आईफोन 11 की बैटरी 4 घंटे 20 मिनट 32 सेकंड चलती है फुल चार्ज पर, वहीं आईफोन XR की बैटरी 4 घंटे 3 मिनट 10 सेकंड चल जाती है। मेरे फोन्स की बैटरी 89% है, अगर 100% होगी तो बैटरी और ज़्यादा चल जाएगी। वहीं मैं अगर बात करूँ बैटरी चार्जिंग की तो आईफोन XR को अगर आप 5W के चार्जर से चार्ज करते हैं तो 3 घंटे 12 मिनट में पूरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा एंड यही फ़ोन अगर आप 10W से चार्ज करते हैं तो 2 घंटे 8 मिनट लगेंगे, जो कि मैंने खुद पर्सनली टेस्ट करा है। आईफोन 11 को अगर आप 5W के चार्जर से चार्ज करेंगे तो 3 घंटे 20 मिनट में चार्ज होगा, वहीं 10W के चार्जर से अगर आप चार्ज करेंगे तो 2 घंटे 22 मिनट में चार्ज हो जाएगा। गाइज अगर आप ये दोनों ही फोन सेकेंड हैंड लें तो मेक श्योर जो आपकी बैटरी हेल्थ है वो 80% से ऊपर होनी चाहिए, अगर 80% से नीचे है तो वो वाला फोन स्किप कर दें। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि सेकेंड हैंड फोन लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए, इन डेप्थ वीडियो मैंने डाला हुआ है चैनल पर, उसको जाकर जरूर से चेकआउट करें, वहां पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। गाइज यही मैं अगर बात करूं डिस्प्ले की तो दोनों ही फोन्स में आपको 6.1 इंच का लिक्विड रेटिना IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। ब्राइटनेस निट्स भी दोनों ही फोन्स की सेम है 625, रेजोल्यूशन 720p से हल्का सा बड़ा है 828x1792। दोनों ही फोन्स में कलर्स बहुत ही शार्प आते हैं, आउटडोर में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोनों ही फोन्स में HDR सपोर्टेड है एंड टू टोन का भी सपोर्ट मिल जाता है। जिनको नहीं पता टू टोन क्या होता है उनको बता दूं कि जैसी लाइट कंडीशन होगी आपके रूम की आपके एनवायरनमेंट की उसी हिसाब से डिस्प्ले का जो कलर है वो एडजस्ट करता है और वो आइज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सही होता है। अगर ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो आईफोन X के OLED डिस्प्ले की तरह शार्प नहीं है, अगर आप आईफोन XS को चला रहे थे एंड उसके बाद अगर आप आईफोन 11 यूज़ करेंगे तो क्लियर फ़र्क पता चल जाएगा। आईफोन 11 में भी हाई क्वालिटी का IPS डिस्प्ले यूज़ करा गया है लेकिन OLED की टक्कर का नहीं है, क्योंकि गाइस यहाँ पर भी फ़ोन यूज़ करता रहता हूँ, आईफोन 12 भी यूज़ करा है मैंने, आईफोन 11 प्रो भी यूज़ करा है, देन अगर आईफोन 11 पे स्विच करो तो आपको नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले थोड़ा सा डल लगता है, बाकी अगर आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो आपकी आदत हो जाएगी, देन इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स में फेस ID मिल जाएगी जिसकी स्पीड सेम है। एंड गाइस यहाँ पर अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों ही फोन्स में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा।
गैज यहाँ पर दोनों ही फोन्स में क्रिस्प साउंड आता है एंड जो क्वालिटी है वो भी बिल्कुल सेम है। गैज यहाँ पर अब बात करते हैं लुक एंड फील की। यहाँ पर जो आईफोन XR में आपको वेट मिलता है वो 193 ग्राम्स मिल जाता है, वहीं आईफोन 11 में आपको 191 ग्राम्स मिल जाएगा, जबकि जो बैटरी है वो आईफोन 11 की बड़ी है। एप्पल ने बहुत ही अच्छी तरीके से वेट मैनेजमेंट करा है, तो आईफोन 11 का वेट आपको थोड़ा सा 2 ग्राम कम देखने को मिल जाएगा। इन एंड फील दोनों ही फोन्स का काफी ज्यादा सही है, प्रीमियम फील देता है। दोनों ही फोन्स में आपको हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, दोनों ही फोन्स वाटर प्रूफ एंड एल्यूमिनियम की ग्रिल प्लस बटन आपको दोनों ही फोन्स में मिल जाएंगे। बैक ग्लास मिलेगा दोनों ही फोन्स में, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम फील देता है। ओवरऑल फोन डिजाइन बिल्कुल सेम है, बस आपको एक कैमरा का फर्क आईफोन 11 में देखने को मिल जाएगा। गाइस यहां पर अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। मेरे पास जो आईफोन XR है वो 64GB है, 89% बैटरी हेल्थ है, जो कि मैंने खरीदा 24,500 का। वहीं आईफोन 11 की बात करें तो वो 128GB है, 89% बैटरी हेल्थ इसकी भी है एंड इसको मैंने खरीदा 33,500 का। दोनों ही फोन्स मैंने स्ट्रीट मोबाइल से लिए हैं। अगर आपको जेन्युइन सेकेंड हैंड आईफोन चाहिए तो आप स्ट्रीट मोबाइल से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस यहां पर अब बात कर लेते हैं किसको आईफोन XR लेना चाहिए एंड किसको आईफोन 11 लेना चाहिए। अगर आपकी मेन प्रायोरिटी कैमरा है तो बिना सोचे समझे आप आईफोन 11 ले सकते हैं। आईफोन XR से आपको अच्छा उसमें कैमरा देखने को मिल जाएगा, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा अलग से देखने को मिल जाएगा, 12 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है आईफोन XR में 7 मेगापिक्सल की है, ये एडवांटेज मिल जाएगा, वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल जाएगा एंड यहाँ पर हल्की सी बूस्टेड परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी एंड 1 साल का ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट भी आपको आईफोन 11 में मिल जाएगा। एंड अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप आईफोन XR भी ले सकते हैं। आईफोन XR की परफॉर्मेंस एंड कैमरा इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको टेस्ट में बताया था, परफॉर्मेंस में भी बस हल्का सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है मिली सेकेंड का ऐप ओपनिंग में। वो भी ये मैं बात करूँ मल्टीटास्किंग में तो दोनों ही फोन्स ने सेम परफॉर्म करा था। एंड कैमरा टेस्ट की बात करें तो हल्की सी लाइट की कमी आपको आईफोन XR के शॉट में देखने को मिल जाती है। अगर आपका बजट कम है तो आईफोन XR भी एक बहुत अच्छी डील हो सकती है। 24,000 रुपए में मेरे हिसाब से आईफोन XR ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है एंड मेरे हिसाब से दोनों ही फोन्स नए लेना बेवकूफी रहेगी, आपको बहुत ज्यादा महंगे पड़ जाएंगे। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप सेकेंड हैंड फोन लीजिए एंड बहुत अच्छे से देख कर लीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या चीजें देखनी चाहिए आईफोन लेने से पहले, उसका डिटेल वीडियो चैनल पर लाइव है, उसको जाकर जरूर से देखिए एंड उसको देखने के बाद आप अपना फोन आराम से ले सकते हैं, आपको कोई भी फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी दबा दें। मिलता हूं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर।